हेलो गाइस, मैं नितीश मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे मार्वल की फ्यूचर मूवी टीवी सीरीज के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसे अपडेट के बारे में जो कि 1.5 साल पुराना है, जो कि केविन फाइगी ने खुद कंफर्म करा था, और बात करेंगे कुछ प्रेडिक्शन के बारे में, और मैं बात करूंगा उन रिलीजिंग डेट के बारे में जो कि केविन फाइगी ने अभी हाल ही में रिलीज करी है और फैन उसे मार्वल फेज 5 बोल रहे हैं। तो मैं उन पर प्रेडिक्शन करूंगा कि कौन कौन सी मूवी रिलीज होंगी, और बात करेंगे एक छोटे से अपडेट के बारे में और एक बड़ी प्रेडिक्शन के बारे में। तो ये सारी चीजें काफी कमाल की हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्वल स्टूडियो फेज 1 के बारे में, जो कि 2008 से लेकर 2012 तक था, जिसमें की 6 मूवी रिलीज हुई थी। ये हमारे लिए बहुत नया था और कुछ नया देखने को मिला फैंस को। फिर उसके बाद मार्वल स्टूडियो फेज 2 लॉन्च हुआ, जो कि 2013 से लेकर 2015 तक था, जिसमें की 6 मूवी रिलीज हुई। तो यानी कि दोनों फेज बराबर रहे हम फैंस के लिए। फिर उसके बाद मार्वल स्टूडियो फेज 3, जो कि 2016 से लेकर 2019 तक था, जिसमें की 11 मूवी रिलीज हुई। ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, 11 मूवियां बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मार्वल स्टूडियो फेज 4, जो कि 2020 से लेकर 2021 तक था, जिसमें की 6 मूवी और 5 टीवी सीरीज रिलीज हुई। बट ये अभी आधा है मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्वल स्टूडियो ब्लैक विडो, जो कि 1 मई 2020 को रिलीज होगी। काफी कमाल की है और काफी ज्यादा जबरदस्त है, इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। फिर एक टीवी सीरीज देखने को मिलेगी 2020 में, जो कि मंथ और रिलीजिंग डेट अभी कंफर्म नहीं है, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इसकी कुछ फुटेज भी सामने आई है, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। फिर एक मूवी देखने को मिलेगी 2020 में, जो कि मार्वल की सेकंड मूवी होगी 6 नवंबर 2020 को, द इंटरनल्स। काफी कमाल का होने वाला है। फिर 2021 में सबसे पहली मूवी देखने को मिलेगी शांग-ची, 12 फरवरी को रिलीज हो रही है और ये स्पेशल एशियंस के लिए बन रही है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देन उसी के साथ हमें देखने को मिलेगी वांडा विजन, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्टेड होगी, पर इसका रिलीजिंग डेट और मंथ कंफर्म नहीं है, पर 2021 में ये मूवी टीवी सीरीज रिलीज होगी। उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज, ये मार्वल की पहली हॉरर मूवी होगी, 7 मई 2021 को रिलीज होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि ये हॉरर होने वाली है। उसके बाद सोनी ने अभी हाल ही में इंक्लूडिंग करी, क्योंकि पहले मार्वल स्टूडियो 5 मूवी रिलीज करने वाला था, बट इसे मिला के 6 हो जाती हैं और 16 जुलाई को हमें देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन 3। फिर उसके बाद लोकी, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से डायरेक्ट कनेक्टेड होगी और ये टाइम ट्रेवलिंग होने वाली है, उसका भी रिलीजिंग मंथ कन्फर्म नहीं है, पर 2021 को रिलीज होगी। फिर एक मार्वल की पहली एनिमेशन टीवी सीरीज व्हाट इफ, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी और इसमें हमें कुछ ऑल्टरनेट चीजें देखने को मिलेंगी, पर इसका भी मंथ कंफर्म नहीं है। फिर सबकी फेवरेट 5 नवंबर 2021 को थॉर, ये सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और मेरे हिसाब से धमाका। अब बात करते हैं हॉकआई टीवी सीरीज के बारे में, तो ये एकदम लास्ट टीवी सीरीज होने वाली है, इसका भी मंथ कंफर्म नहीं है, पर ये 2021 को रिलीज होगी। अब बात करते हैं मार्वल स्टूडियो फेज 5 के बारे में, जो कि 2022 से लेकर 2023 तक का, जिसमें कि 8 मूवी मेरी प्रेडिक्शन होंगी और 3 टीवी सीरीज जो कि ऑफिशियल कंफर्म है, पर उनकी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अनटाइटल्ड डेडपूल 3, जो कि 8 फरवरी 2022 को रिलीज होगी मेरे हिसाब से, पर इसकी रिलीजिंग डेट ऑफिशियल कंफर्म है, पर डेडपूल 3 रिलीज होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। फिर ब्लैक पैंथर 2 6 मई 2022 को रिलीज होगी, ये एकदम ऑफिशियल कंफर्म, जो कि केविन फाइगी ने अभी हाल ही में कंफर्म करा, आपको पता भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। अनटाइटल्ड एंटमैन 3, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से 19 जुलाई को 2022 को ये मूवी रिलीज हो सकती है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है मुझे मूवी बताना रिलीजिंग डेट के साथ। फिर अनटाइटल्ड ब्लेड, ये एक हॉरर टाइप की मूवी होने वाली है, 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी, जो कि सीधे डायरेक्ट मून नाइट से कनेक्टेड होगी, जी हाँ ध्यान दीजिएगा। अनटाइटल्ड फैंटास्टिक 4, जो कि 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी और मेरे हिसाब से ये मूवी इसी डेट को रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आएगा अगर ये मूवी इस टाइम को रिलीज होती है। फिर 5 मई 2023 को गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अनटाइटल्ड, मेरे हिसाब से ये मूवी इस डेट को रिलीज हो सकती है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। फिर कैप्टन मार्वल 2, जो कि 28 जुलाई 2023 को रिलीज हो सकती है, पर रिलीजिंग डेट गाइस ध्यान दीजिएगा, ये एकदम ऑफिशियल कंफर्म है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा फ्यूचर में। एक्समैन 3 नवंबर 2023 को मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये रिलीज हो सकती है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है जरूर बताइएगा। देन उसी के साथ अब बात करते हैं ऑफिशियली टीवी सीरीज के बारे में, शी-हल्क, कोई भी मंथ कंफर्म नहीं, कोई भी ईयर कंफर्म नहीं, पर रिलीज हो सकती है शायद 2023 में। देन उसी के साथ मून नाइट, जो कि ब्लेड से डायरेक्ट कनेक्टेड होगी और इसमें हमें एक वेयरवुल्फ ही देखने को मिलेगा, पर इसका भी मंथ कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद मिस मार्वल, तो इसका भी कोई ये नहीं है मंथ और ईयर कंफर्म नहीं है, पर ये भी रिलीज होगी और इसका वर्किंग टाइटल भी आज आ चुका है, तो आप देख सकते हो ट्विटर अकाउंट पे जाकर। अब बात करते हैं मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन के बारे में। केविन फाइगी ने एक अपडेट दिया था कि मार्वल फेज 4 में 22 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो 6 मूवी हमें फेज 4 में देखने को मिलेगी और 5 टीवी सीरीज और 8 मूवी और 3 टीवी शो। तो अगर फेज 5 में से 8 मूवी और 3 टीवी शो हटाकर अगर फेज 4 में जोड़ दिए जाए तो टोटल
हमें 22 प्रोजेक्ट देखने को मिल रही है जो कि केविन फाइगी ने 1.5 साल पहले बोली थी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब केविन फाइगी ने जो बोला था 1.5 साल पहले वो सच निकला और शायद हमें फेज 4 में ये सब 22 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ गाइस केविन फाइगी ने एक और अपडेट दिया था कि फेज 4 में आपको एवेंजर 5 देखने को नहीं मिलेगी, वो सीधा फेज 5 में देखने को मिलेगी जो कि अराउंड 2024 में होगी। तो शायद 24 अप्रैल 2024 को एवेंजर 5 हमें देखने को मिल सकती है जो कि न्यू एवेंजर्स, न्यू वॉरियर या किसी भी टाइप का नेम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी ये प्रेडिक्शन केविन फाइगी ने जो बोला था 22 प्रोजेक्ट और 2024 में एवेंजर 5 देखने को मिलेगी, तो जो थैनोस के चेहरे पे स्माइल है ना, वो शायद अब मेरे चेहरे पे भी और शायद आपके चेहरे पे भी होनी चाहिए। गाइस ये थे वो अपडेट, ये थी वो प्रेडिक्शन, ये थी वो ऑफिशियली रिलीजिंग डेट। और देन आपकी प्रेडिक्शन क्या है इन रिलीजिंग डेट को लेके कि कौन कौन सी मूवी रिलीज होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मेरी पर्सनली, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और देन मैं बता दूंगा आपको कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मेरी राइट किडनी में इन्फेक्शन है और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और मेरे बेइंतहा दर्द हो रहा है बॉडी में और हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, ड्रिप छड़ी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और काफ़ी हिम्मत कर थोड़ी यूट्यूब की वीडियोस देखकर और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आप लोगों को अपने बारे में भी बता दूं और एक अच्छी लेवल की वीडियो बना के दिखा दूं कि हाँ कुछ मार्वल फ्यूचर में होने वाला है। तो गाइस सीरियस कंडीशन मेरी कुछ ज़्यादा ही है, तो जैसे जैसे मुझको आराम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।